एक क्वेश्चन जो मुझसे लगातार पूछा जा रहा है, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो एक साल पहले तक सारे निवेशकों और उससे भी ज़्यादा एनालिस्ट का फेवरेट था, हर कोई रिकमेंड कर रहा था, लेकिन अब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो ये बढ़ता नहीं है और स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए तो ये बिल्कुल क्रैश हो जाता है। ये कौन सा सेक्टर है? हम और आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। क्या प्रॉब्लम है इस सेक्टर के साथ? आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, केबीसी खेल के समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाती हैं? उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? क्या वो भारत से आता है? नहीं ना, वो आता है हमारे यूएस से, यानी नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से। अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का कंट्रीब्यूशन देखो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन आईटी सेक्टर के रेवेन्यू में, लेकिन इन सारे देशों में कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो आप जानते हो, ग्लोबल स्तर पर एक रिसेशन का माहौल है, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इन दोनों कारणों की वजह से जो कंपनी है, इनके क्लाइंट्स हैं, वो आईटी पार्ट में अपना खर्चा कम करना चाहती हैं। अच्छा, वो खर्चा कम करेंगे तो इनकी कमाई अपने आप कम हो जाएगी ना। मैं आपको इसको डाटा के टर्म्स में समझाता हूँ। अगर आप टीसीवी यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनियों का जोड़कर, तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% की डिक्लाइन आई है और ईयर ऑन ईयर 3% की डिक्लाइन आई है। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सिंपल मतलब है कि जो भी इनको इनके क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसका डॉलर टर्म्स में कितनी प्राइस है। अगर उसमें देखो तो गिरावट आ रही है, तो सिंपली ये आपको शो कर रहा है जहां से ये कमाते हैं वहां की इकोनॉमी में स्लो डाउन है और वहां की कंपनीज आईटी पे अपना खर्चा थोड़ा कम करना चाहती हैं, यानी इनके रेवेन्यू में थोड़ा स्लो डाउन आपको देखने मिलेगा। जितनी तेजी से ग्रो करते थे उतनी तेज ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, ये जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एग्जीक्यूशन है वो भी स्लो हो चुकी है। जैसे आप एम्फेसिस की बात करो जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने अपने रिजल्ट्स में बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल रहा है उसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा स्लो डाउन आ चुका है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में स्लो डाउन आएगा, एग्जीक्यूशन में स्लो डाउन आएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, इनको जो रेवेन्यू मिलता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसमें भी तो धीमापन आ जाएगा ना। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है, ऊपर से उनकी एग्जीक्यूशन कम हो रही है, तो डबल मार पड़ रही है रेवेन्यू ग्रोथ के साइड पे। तो ग्रोथ उतनी तेज आ नहीं रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन ग्रो करेगी वो तो फर्स्ट क्राइटेरिया है ना, तो वो उसमें थोड़ी कमी आ चुकी है। दूसरा पार्ट मैं डिमांड साइड से बताता हूँ, यानी अगर आप इनके मार्जिन्स देखो तो वो भी काफ़ी प्रेशर के अंदर है। ये आप जानते हो, हमारे और आपके सारे दोस्त कई लोग आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं, कितना ज़्यादा एट्रिशन है। एट्रिशन का मतलब है कि लोग अपनी नौकरी छोड़ के स्विच कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं। तो जब वो अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हायर सैलरी, हायर पैकेज मांगते हैं। अब उनके लिए तो अच्छी चीज़ है और हम लोग के लिए भी अच्छी चीज़ है, भाई हमारे दोस्त ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कंपनीज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उनके मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है इस वजह से। यानी एक तो रेवेन्यू ग्रोथ कम हो चुकी है और मार्जिन पे हैवी प्रेशर है, तो दो तरफा मार पड़ रही है आईटी सेक्टर की कंपनीज को। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वैल्यूएशन का, प्राइस बहुत महंगे थे इन सारी कंपनीज के। वैसे 2 साल पहले देखो, जब कोविड आया था, हर एक कंपनी अपने आईटी डिपार्टमेंट को अपग्रेड कर रही थी, तब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अब जब स्लो डाउन आ रहा है, लोग अपने आईटी एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रोथ उतनी तेज़ तो हो नहीं सकती ना जितनी तेज़ पिछले 2 साल में हुई थी। प्राइस तो आपने 2 साल में पूरे 5-10 साल का डिस्काउंट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन एक्सपेंसेस थे तो वहाँ से आपको वैल्यूएशन के टर्म्स में कुछ करेक्शन देखने को ज़रूर मिल रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई ज्ञान की बात, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपको आईटी सेक्टर में अभी पोजीशन बनानी चाहिए? मैं आपको कहूँगा कि आईटी सेक्टर अपने स्वीट स्पॉट के आसपास आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है। यानी आपको क्या करना है, वेट, आप शिकारी हो, ज़रूरी थोड़ी है अभी जाके उसको खरीद लो। करना क्या है, आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। यूएसए में इन्फ्लेशन अपने पीक पे शायद आ चुका है, कई लोग कह रहे हैं आ चुका है, कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरा, अगर आप यूरोप की बात करो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके इन्फ्लेशन और बढ़ के आए हैं। सेंट्रल बैंक्स अभी भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अभी पीक आउट नहीं हुए हैं। ये दोनों फैक्टर को आपको देखना पड़ेगा, यानी अगले 1 से 2 क्वार्टर आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा इन दो फैक्टर्स को। यूरोप और अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे बेटरमेंट आ रही है? और देखो, 1-2 क्वार्टर में बेटर होने लगेगा, उससे पहले ही आईटी सेक्टर में आपको कुछ ऐसे संकेत मिल जाएंगे जो यहाँ से आपको कहेंगे कि हो सकता हो चीज़ें बेटर हो। जैसे आपको देखना है एट्रिशन रेट कम हो, आपको देखना है मार्जिन प्रेशर थोड़ा बढ़े, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। यानी 1 से 2 क्वार्टर आपको पीक
प्लीज समय देना है इसमें पोजीशन बनाने से पहले। अच्छा, जिसने भी पहले खरीद लिया था अब वो सोच रहा है कि क्या मैं अभी बेच देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं बेचा तो आपको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। आईटी सेक्टर की अच्छी बात क्या है, अगर आपने हायर प्राइस पे भी खरीद लिया, मान लो TCS का बायबैक आया था 4,000 रुपये पर, कंपनी 4,000 रुपये पे अपने शेयर प्राइस खरीदने को तैयार थी और 4,000 अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन क्या कभी करेगा नहीं टच? बिल्कुल करेगा। आईटी सेक्टर में अच्छी चीज़ क्या है, कंपनीज पे डेट नहीं है और ये बिल्कुल प्योर प्ले कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन है। हाँ, प्राइस हायर थे उसकी वजह से गिरावट आ रही है, लेकिन कैश तो लगातार जनरेट कर रही है ना। अभी स्लो डाउन है, लेकिन क्या अगले 1 से 2 सालों में ये स्लो डाउन वैसे ही रहेगा कि कम होगा? बिल्कुल कम होगा। तो अगर आप उसमें फंसे हुए हो, अपने हायर प्राइस पे खरीदा है, तो अपने आपको ये मत सोचो अरे मैं तो फंस गया, बिल्कुल नहीं यार। अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनी आपने खरीदी है, आपको सिंपल चीज़ करना है इंतज़ार। आप जानते हो पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। आपने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया है आईटी सेक्टर में खरीदने के बाद, थोड़ा हो सकता हो आपको लंबे समय तक इसमें होल्ड करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है ना होल्ड करने में, अच्छी कंपनीज है। मेरी प्रायोरिटी जो है टॉप आईटी कंपनी में इन्फोसिस, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद कोफोर्ज। आप जानते हो कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम पे हमने दोनों में स्विंग ट्रेडिंग किए थे अभी भी, लेकिन पोजिशनल बेट लेने के लिए सही समय नहीं है। उस पे भी हम कभी आके चल के जब भी अच्छा समय आएगा तो अपडेट ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस टाइप के अपडेट आते रहते हैं। इसके अलावा एक पेनी स्टॉक आ चुका है नज़र में, उस पर डिटेल रिसर्च करना रह गया, इसीलिए वो वीडियो अभी 1-2 दिन तो कम से कम नहीं आएगा, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेनी स्टॉक देखने में आया है मेरे नज़रों में, तो उसका जल्दी एनालिसिस लाऊंगा यार, मजा आएगा। उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी चीजें आपका कोई भी सजेशन हो, ये मैं बना रहा हूं क्योंकि किसी ने सजेशन दिया था कि इस पे वीडियो बनाओ, कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसीलिए बना रहा हूं। आपका भी कोई सजेशन हो तो प्लीज उसको जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन।